अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफिया से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने 8th क्लास की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की थी, और उसकी फहरिस्त को जो सी है यानी कि उसके अंदर कितने चैप्टर इंक्लूड है वो हमने पढ़े थे, तो उसके अंदर 7 चैप्टर वो इंक्लूड किए हुए उन्होंने। तो आज हम बाब अव्वल की जानिब जा रहे हैं। तो बाब अव्वल है कुरान मजीद तो हदीस नबवी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी वसल्लम। तो इसका जो अलिफ पार्ट है उसके अंदर तर्जमा कुरान मजीद है, यानी कि इसमें क्या है, इसके अंदर आपने क्या करना है, जमात हशम में तलबा तर्जमा कुरानुल मजीद के मज़मून के तख्त तर्जमा कुरान का दर्ज़ निसाब पढ़ेंगे, यानी कि सूरतुल ज़ुखरुफ से सूरतुल जासिया, सूरतुल क़ाफ़ से सूरतुल वाकिया, सूरतुल मुल्क से सूरतुल मुरसलात और सूरत यूसुफ। ये जो उनसी चीज़ें हैं ये इन्होंने इस बुक के अंदर पढ़नी है। उसके बाद कुरान मजीद की रोशनी में दर्ज अम्बिया कराम का तारुफ पढ़ना है, जिसके अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो मुकम्मल किस्सा है कि वो कैसे भाइयों के साथ बाहर गए, कैसे वो कुएं में गिरे, क्या मामला था, वो सारा आपने पढ़ना है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूरतुल मरियम आयत नंबर 1-40 ये आप लोगों ने पढ़नी है। अब तर्जमा कुरान मजीद के अलग से पीरियड मुख्तस किया जाएगा स्कूल के अंदर, और इसका इम्तहान भी अलग होगा, और इसके टोटल 50 नंबर मुकर्रर किए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो बे है यानी कि जो अलिफ पार्ट है उसके अंदर आपने इनका तर्जमा कुरान आपने पढ़ना है। तो बे जो उनसे हिफ्ज़ कुरान जी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको कुछ सूरतें दी जाएगी, उसको आपने याद करना है, उसको हिफ्ज़ कर लेना है। जैसे कि पहली सूरत है सूरतुल बालादी, ठीक है, इसकी आपके पास ये 20 आयत है, ये आपने अच्छे तरीके के साथ याद कर लेनी है, और इसको अच्छे तरीके के साथ आपने पढ़ना भी करना है, नमाज में भी पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी आप इसको पढ़ सकते हैं, तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद सूरतुल शम्स ये आएगी, ये इसकी 15 आयत है, ये आपने याद करनी है, और सूरतुल लैल इसकी आयत है 21 आयत है, ये आपने 21 आयत जो है इसको आपने याद करना है, और पूरे तलफ़ुज़ के साथ याद करना है आपने। उसके बाद सूरतुल ज़ुहा आ जाएगी, जिसकी आपके पास 11 आयत है, ये आपने याद करनी है, और सूरतुल अलम सूरतुल अल नश्र ये आपने याद करनी है। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके के साथ आपने पढ़ना है। फिर सर गर्मी में बताया गया है कि स्कूल के अंदर कोई आप मुकाबला वगैरह नात का कराए, उसके अंदर ये जो जो से आपके पास आ गए ना सूरतें, इनको बच्चों को बोले कि वो आए और जो इस मुकाबले के अंदर हिस्सा ले, और ये जो सूरतें ये बड़े अच्छे तरीके के साथ बच्चे आज उनसे वो एक्सप्लेन करें। और फिर आपने इन सूरतों की ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग बच्चों को सुनानी है। ये नीचे लिखा हुआ है कि तजवीज़ के असूलों पर मंबी किसी मरूफ कारी की करात समय बसरी, यानी कि सामने आ जाए या फिर वो रिकॉर्डिंग ही हो, ऑडियो या वीडियो हो, तलबा को सुनाए और तलबा से मशक करवाई। ठीक है, ये था आपका बे। नेक्स्ट जीम के अंदर क्या है, हिफ्ज़ व तर्जमा। यहाँ पे आपको कुछ आयत दी है, आपने उनका साथ तर्जमा भी याद करना है। ऊपर आपने सिर्फ अपने अरबी याद करनी थी, तलफ़ुज़ आपने ठीक करने हैं, और यहाँ पे आपने तर्जमा याद करना है, उसके मैनी को समझना है, उसके मफहूम को समझना है। ठीक है, तो ये रहमत और मगफरत की दुआ, ये सूरतुल बकरा की चंद आयत आपके सामने लिखी हुई है, जिसे मैं पढ़ता हूँ। अस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सा इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं डालता, लहमा कसबत व अलैहा मक्तसबत, और उसके लिए अजर होगा जो नेक अमल उसने किया, रब्बना ला तुखिज़ना इन्ना नसैना अव ख़तअना, और इस पर वबाल होगा जो बुरा अमल उसने किया, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐ हमारे रब तो हमारी गिरफ्त ना कर अगर हम भूल जाए या ख़ता कर बैठे, रब्बना वला तुहमिलना वला ताक़ता अलैना बिही, ऐ हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जैसा बोझ तुमने उन पर डाला जो हमसे पहले गुजरे हैं, और हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जिसके उठाने की हमें ताकत नहीं, वाफ़ुअन्ना और हमसे दरगुजर फरमा, वाक़फ़िरलना और हमारी बख्शिश फरमा, वरहमना और हम पर रहम फरमा, अंता मौलाना फ़नसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तू बड़ा कारसाज़ है पस काफ़र मुकाबले के काफ़र कौम के मुकाबले में हमारी नुसरत फरमा, हमारी मदद फरमा। ये सूरतुल बकरा के चंद आयात है, इसके अंदर जो हम इंसान लोग हैं हम अल्लाह ताला से इल्तजा दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पर हमारी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डाल, और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला इंसान की सलाहियत से जितना इंसान की ताकत होती है उससे ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता। इसमें आपने ये दुआ मांगनी कि अल्लाह ताला हम पर हमारी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डाल,
हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। देखिए जो हम नेक अमल करते हैं वो हम खुद नहीं करते, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें तौफीक मिलती है तो हम जाते हैं। अगर हम एक इंसान जो बैठे होते हैं और अजान की हम आवाज़ सुनते हैं और हम कहते हैं जी हम कल नमाज़ पढ़ने जाएंगे, परसों नमाज़ पढ़ने जाएंगे, ये हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए कि मैं नमाज़ पढ़ने नहीं गया, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको बुलाया ही नहीं नमाज़ पढ़ने के लिए। ठीक हो गया। तो ये आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस लास्ट में कहता जाता है अल्लाह ताला हमें वो ताकत नहीं है जो बोझ हम पे डाला जाए, यानी कि अल्लाह ताला हम पे वो बोझ इतना ही बोझ डाल दे जितना हमें ताकत होती है। अल्लाह ताला हमसे तुम्हें दर गुजर फरमा, हमें माफ़ फरमा और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। अब देखिए ये आप मफहूम जो है इसको आप याद रखें और इसका तर्जमा अपने अच्छी तरीके से याद करना है। तो नेक्स्ट आ जाएगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है जी, रब्बी शराह ली सदरी, ए मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, वह यसर ली अमरी और मेरे लिए मेरा काम आसान बना दे, वहलुल उक्ता दे मिन लिसानी और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, यफ़क़हु क़ौली ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। यह सूरह तहा की 25 से 28 की ये 3-4 आयत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दे कि मेरी ज़बान भी खोल दे, मेरी ज़बान की जो गिरा है ताकि मैं लोगों को पैगाम इस्लाम की इस्लाम की तरफ बुलाऊँ इनको और ये उसकी तरफ आ सके और मेरा ये जो काम है इस तबलीग करना ये आसान फरमा दे। नेक्स्ट आ जाके दुश्मन पर गलबा पाने की दुआ, हसबुना लाहु व निमल वकील, ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 है जिसका तर्जमा है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये देखिए जब भी आप किसी मुश्किल के अंदर आए तो आपके माइंड का आपका जो यकीन है वो इतना खालिस होना चाहिए कि आप ये सोच सके कि यार मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए जो अल्लाह ने कर दिया वो मेरे लिए बेहतर किया है। नेक्स्ट हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है जी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 है, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं तू पाक है, बेशक मैं ही नुकसानकारों में से हूँ। यानी कि अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा है, वो गुनाहों से पाक है, वो तो इतना रहमान रहीम है कि इंसान कहते हैं इंसान का दुनिया से लेके आसमान तक अगर इतनी सारी जगह गुनाहों से भर भी जाती है ना और वो अगर सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला इतना रहमान रहीम है वो उसे माफ़ कर देते हैं। और अल्लाह ताला अगर हमें तौफीक दे तो हम नमाज पढ़ते, अगर वो तौफीक ना दे तो हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ये तो अल्लाह ताला के करम है, अल्लाह ताला का करम है कि हम इतने ज़्यादा गुनाह करते हैं लेकिन हमें फिर भी वो एक नया मौका देता है, सुबह हमें दे देते हैं। एक जगह आता है कि अगर एक इंसान सिर्फ ये सोचता है कि मैंने यार नेक काम करना है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं कि भाई इसके नामा माल में नेक ही लिख दी जाए, जबकि फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला इसने तो भी नेक माल किया ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला कहता है यार इसने एक माइंड तो बना लिया ना कि मैंने नेक काम करना है तो अल्लाह इसकी नेकियाँ लिख दी जाए, तो फरिश्ते इसकी नेकियाँ लिख देते हैं उस आदमी की। अब होता क्या, वो आदमी जाता है और वो सारा दिन वो कोई नेक काम करता ही नहीं, तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला इसने जो माइंड बनाया था नेक काम करने का ये तो इसने किया ही नहीं, तो लिहाजा हम इसका इसकी नेकियाँ ख़त्म कर दें। तो अल्लाह कहते हैं कि यार नहीं, अगर तुमने लिख दिया है तो फिर लिख ही रहने दो, ये अल्लाह ताला की शान है। और अगर कोई एक इंसान बुरे काम का इरादा रखता है सिर्फ, तो फिश्ते कहता है अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस इंसान ने इरादा किया है बुरे काम करने का तो इसके नामा माल में हम बुरे अमाल लिख दें, तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं इसने इरादा किया कौन सा इसने कर दिया है। तो कहते जब इंसान गुनाह कर लेता है तो फिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला अब इसने गुनाह कर लिया तो हम लिख दें, अल्लाह ताला कहते हैं नहीं अभी इसने गुनाह किया है क्या बताइए अभी माफ़ी मांग लें। तो कितना अल्लाह ताला मेहरबान है। तो क्या होता है कि इंसान 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हो जाते हैं गुनाह किए लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगता, फरिश्ते दोबारा कहते हैं कि अल्लाह ताला अभी भी इसने माफ़ी नहीं मांगी तो हम लिखते हैं इसके हिस्से में, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं भाई अभी रुक जाए, क्या पता ये अभी गुनाह करके थका हुआ है तो अभी बाद में माफ़ी मांग ले। तो कहते हैं ऐसे ऐसे 24 घंटे पूरा एक दिन मिलता है कि वो माफ़ी मांग ले, अगर वो एक दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांग लेते हैं तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगता फिर जाके उसके नामा माल में गुनाह लिखा जाता है। अल्लाह ताला इतना मेहरबान रहीम है। नेक्स्ट अल्लाह ताला की पाकी बयान करने के कलमात है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही आदादा खल्फी वरिजा नफसी वजिदाता अर्शी वमिदादा कलिमातिही, ये सही मुस्लिम की यह हदीस है 6913। अल्लाह की हमद व तस्बीह बयान करता हूँ इसकी मखलूक की तादाद और इसकी रजा के बगैर, नीज इसके अर्श के वजन और इसके कलमात की रोशनाई के बराबर। देख रहे हैं यार अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हुए हैं और एक जी के बाद दीगर आसमान बनाए हुए हैं, और आप देखें हम एक छत बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें 4 दीवारों का सहारा लेना पड़ता है, छोटी सी भी हम छत अगर बनाए तो। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने इतने 7 आसमान खड़े किए लेकिन इसमें कोई पिलर कोई दीवार आपको नज़र नहीं आएगी, ये अल्लाह ताला की शान नहीं है तो और क्या है।
अल्लाह ताला तो रहीम है रहमान है, ये आप इसमें आप लिख सकते हैं। इस इनका आयत का आपने याद करना है इन आयत को, और इनका तर्जमा अपने अच्छे तरीके से याद करना है। तो नेक्स्ट जी अल असमाउल हुसना जी, अल बाईसु उठाने वाला, मौत के बाद मुर्दों को जिंदा करने वाला। जैसे कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को क्यामत वाले दिन जो फोत हो चुके हो गए या जिंदा हो गए सबको दोबारा जिंदा करना है। अशहीदु हाजिर जो सब कुछ देखता और जानता है। अलहक जिसकी ज़ात वजूद इस्लाह हक है, यानी कि अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला अगर हम कहते हैं ना अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आता, अल्लाह ताला हमसे बात कर, हम कलाम कैसे करें, तो देखिए अल्लाह ताला हमारी शाहरुख से ज़्यादा करीब है। और देखिए अल्लाह ताला 70 माओ से ज़्यादा इंसान से प्यार करता है, जबकि एक माँ का ये आलिम है कि अगर बच्चे को चोट आती है तो माँ को सुकून नहीं मिलता, और अल्लाह ताला तो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है, उनकी तो ज़ात ही बड़ी ऊँची है। अलवकील कार साज़े हकीकी, अलकवी साहब कुवत, अल्लाह ताला की कुवत है जी। अल्लाह ताला हर चीज़ पर साबिर, हर चीज़ पर अल्लाह ताला की हुकूमत है। अलमतीनु बहुत मजबूत, अलवलीयु सरपरस्तो मददगार, अलहमीदु मुस्तहक हमदो सताइश, अलमुहसीयु सब मखलूक के बारे में पूरी मालूमात रखने वाला। यानी कि अल्लाह ताला इंसान क्या, जिन क्या, परिंदे चिरिंदे चूंडी तक को देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं काली रात को कालो पत्थर में, काली रात को काले पत्थर में काली चींटी को चलते हुए उसके जो पाँव के निशान है मैं वो भी देखता हूँ। ये क्या है यार, अल्लाह ताला की शान ही बड़ी ऊँची है। अलमुब्दी पहला वजूद बख्शने वाला, अलमुईदु दोबारा ज़िंदगी देने वाला, अलमुहय्यी ज़िंदगी बख्शने वाला। ये अस्माउल हुस्ना थे, ये आपने याद करने और इसके आपने तर्जमा भी, मीनिंग भी आपने याद करने हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ आयतें जो हिफ्ज़ व तर्जमा में थी। जूज नंबर जी था, ये आपने याद करनी है अच्छे तरीके के साथ, और इसको आपने गाहे बगाहे बोलते भी रहना है, यानी कि रहमत और मगफरत की दुआ अल्लाह ताला से करते रहना है। मूसा अलैहि सलाम ने जो दुआ किया वो आप कर सकते हैं नमाज के बाद, दुश्मन पर गलबा पाने की दुआ है, जूनू सलाम की दुआ है। ये आयत, ये जो सी आयतें वगैरह, ये आपने याद करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हदीस नबवी, उसकी जानिब बढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।